हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाटाड़ो गांव निवासी 53 साल के गुलाब खां करीब 6 साल से डायलिसिस बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और 3 मासूम बेटियां हैं। ऐसे में परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है, लिहाजा गुरुवार को पीड़ित परिवार ने जिला मुख्यालय पहुंचकर बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। ज्ञापन देने आए परिवार के जालम खान ने बताया कि मेरे चाचा का लड़का भाई गुलाब खां पुत्र इब्राहिम बीते 6 साल से डायलिसिस बीमारी से ग्रसित है। इसके चलते उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। इस बीमारी में हर सप्ताह गुलाब को बाड़मेर अस्पताल लाकर उसका इलाज करवाया जाता है। इस बीमारी में मरीज की निजी पूंजी अपनी पत्नी के गहने तक बिक चुके हैं और मरीज के 3 छोटी छोटी बेटियां हैं जिनका भरण पोषण मुश्किल हो गया है, साथ ही बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हुई है। बता दें कि गुलाब की पत्नी मजदूरी करके 4-5 हजार रुपए महीने भर में बड़ी मुश्किल से कमा पाती है, लेकिन वो भी पैसे गुलाब के इलाज में खत्म हो जाते हैं, लिहाजा अब इस परिवार का गुजर बसर करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में गुरुवार को बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परिजनों ने मांग की है कि हमारी आर्थिक मदद की जाए ताकि इस परिवार का गुजर बसर हो सके, साथ ही सरकारी स्तर पर गुलाब खां का इलाज करवाया जाए। मैं बाटाड़ू गांव से आया हूं, कलेक्टर साहब जी से गुहार लगाने के लिए आया हूं, और मेरा भाई है काका बेटा गुलू खां, दो डायलिसिस से पीड़ित है, दोनों किडनियां गई हुई है और उसके खाने कमाने वाला कोई नहीं है। 7-8 साल से वो खाट पर पड़ा है और छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। कलेक्टर साहब से मैं विनती करना चाहता हूँ किसी भी हाल से उसकी सहयोग करें। कितने समय से समस्या है ये बीमारी होने? बीमारी सर इसको हो गया 5-6 साल और डायलिसिस पे चल रहा है और पैसे है नहीं, तो गरीब आदमी है, गरीब स्थिति है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।